हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल सिविल स्पॉट लाइट एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब विच इज सिंपली सपोर्टेड दिस इज लेक्चर फॉर पार्ट टू बी अभी तक हमने बेसिकली थ्योरिटिकल पार्ट देख लिया है आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे सो बिफोर बिगिनिंग दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड एम हेयर टू हेल्प यू फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो लेट्स बेगिन आर क्चर तो माई फ्रेंड स्टिल नाउ वी है बेसिक ऑफ स्लैब्स एंड देन वी हैव डिस्कस द बेसिक इन डेप्थ कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑन सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब तो उस क्वेश्चन पे आते हैं और जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े थे देखे थे लास्ट लेक्चर में उनको अच्छे से यूज करेंगे एंड देन थिंग्स विल बी डन तो ये है, है हमारा क्वेश्चन डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड आ गया भाई सिंपली सपोर्टेड है वन वे स्लैब ओके टू कवर 3.5 मीटर टू 8 मीटर इनर डायमेंशन ओके मतलब वो क्लियर स्पैन दिया हुआ है दोनों डायमेंशंस का इनर डायमेंशन विद टू फिफ्टी एम एम वॉल सपोर्ट ऑल अराउंड ओके अज्यूम अ लाइव लोड ऑफ फोर किलो पर मीटर स्क्वायर एंड फिनिश ऑफ वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ एम ट्वेंटी एंड एफ ई फोर वन फाइव ठीक है सर करके दिखाते हैं अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसी को यूज़ करेंगे हमने सर ये पढ़ा था कि जो इफेक्टिव स्पेन है उसका रेशियो अगर टू से ज़्यादा होता है तो वो वन वे होता है बट यहाँ पे सर पॉसिबल नहीं है क्यों इफेक्टिव स्पेन निकालना क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इफेक्टिव स्पेन निकालने के लिए आपको याद होगा एल प्लस डी या एल प्लस डब्ल्यू वाला कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा अब यहाँ पे मेरे पास इफेक्टिव डेप्थ तो स्लैब की है ही नहीं इसका मतलब सबसे पहले मुझे स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ फिक्स करनी पड़ेगी उसके बाद इफेक्टिव स्पैन निकलेगा ठीक है तो हमारे पास कुछ नहीं है कुछ भी नहीं पता अभी हम अपनी अप्रॉक्सीमेशन के लिए सबसे पहले क्लियर स्पेन से शुरू करते हैं थ्री पॉइंट फाइव एंड एट क्योंकि हमें यही गिवन है तो हमने ये ले लिया इसी का रेशियो ले लो यार इसका रेशियो लोगे तो इट इज़ टू पॉइंट टू एट फाइव विच इज़ ग्रेटर देन टू इसका मतलब अच्छा खासा है वन वे स्लैब ही है और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है ठीक है हमें याद है मैंने पहले स्टेप वन में कहा था इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हम ये क्लॉज में जाएंगे और यूज़ करेंगे सिंपली सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड मतलब ट्वेंटी ओके तो सर डी स्पेन बाई डेप्थ रेजियो इज इक्वल्स टू ए वैल्यूज़ यही आप करते आए हैं और आपको मैंने ए वैल्यूज़ निकालते टाइम अच्छी चीज़ें ये भी पढ़ाई थी कि टेन मीटर का स्पैन है क्या है तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन स्पेन क्या रहेगा सर थ्री पॉइंट फाइव मीटर टेन मीटर से तो कमी ही है भाई काम वैसे ही ख़त्म हो गया तो स्पेन हमारा थ्री पॉइंट फाइव मीटर यानी थ्री फाइव जीरो जीरो ट्वेंटी से डिवाइड कर दो वन सेवेंटी फाइव एम एम आ गया आप बोलेंगे सर आपने एक मॉडिफिकेशन फैक्टर भी पढ़ाया था तो कई बुक्स में आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बताया होगा कि ये ले लो 1.2 ले लो 1.4 ले लो 5 ले लो बट उसमें मैंने एक ड्रॉबैक है क्योंकि उसके अंदर आपको प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील और अज्यूम्ड एरिया ऑफ स्टील बताना होता है उसका एक रेशियो होता है अपने पास वो नहीं है अभी कुछ भी नहीं है हाथ में तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि आप उस स्टेप पर जाओ मैं आपको क्यों हार्ड करूँ ये बिना मतलब जैसे बुक्स ने कुछ भी कर देते हैं कई बार परेशानी होती है तो मैं बेसिक से लेकर चलना चाह रहा हूँ आपका बिल्ट हो जाए कंसेप्ट उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को तो देखो कैसे करते हैं अभी बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे हमें तो यही आता है हम यही यूज़ कर रहे हैं ओके वन यानी कि जो सर्विसबिलिटी है वो बोलती कि इफेक्टिव डेप्थ को आप वन सेवनटी कर दो तो आप बोलेंगे ठीक है पीयूष भाई कर दे कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं इफेक्टिव स्पेन की हमारे पास इफेक्टिव स्पेन क्या हुआ एल एक्स नॉट प्लस डब्लू बाई टू प्लस डब्लू बाई टू क्योंकि हमारे पास विर्थ दी हुई है टू फिफ्टी एम एम इधर एंड टू फिफ्टी एम एम इधर जिसको मैं डब्लू से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे तो डब्लू तो यहाँ पे हमारे इफेक्टिव स्पेन के लिए याद होगा आपको सिंपली सपोर्टेड का मैंने आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ाया है एल क्लियर स्पेन प्लस डब्ल्यू बाई टू इधर डब्ल्यू बाई टू इधर ठीक है और एल एक्स नॉट क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो स्पेन है वो एल एक्स नॉट है एल एक्स नॉट प्लस डी इन दोनों में से जो भी कम होगा वो इफेक्टिव स्पेन कहलाएगा करेक्ट बिल्कुल यही कोड ने कहा था यही किया तो ये आया थ्री पॉइंट सेवन फाइव डी के साथ आया थ्री पॉइंट सिक्स सेवन फाइव तो हमारा लेस कौन सा है थ्री पॉइंट सिक्स सेवन फाइव तो हमें अपना डिज़ाइन इफेक्टिव स्पैन मिल चुका है दिस इज एलेक्स ठीक है सर एलेक्स मिल गया बहुत बढ़िया लिख दिया मैंने यहाँ पर तो उसी तरीके से जैसे ऊपर किया उसी तरीके से एल वाई भी निकाल सकता हूँ एल वाई नॉट में जो भी कमाया दैट इज एट पॉइंट वन सेवन फाइव वो भी निकाल लिया अब हमें चेक तो कर ले भाई ये गिवन जो क्वेश्चन है ये वन वे है टू वे है तो एट पॉइंट वन सेवन फाइव डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट सिक्स सेवन फाइव टू पॉइंट टू टू हाँ भाई अभी भी देखो वन वे स्लैब है यानी कि अगर आप कई बार ऐसे क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे आप इफेक्टिव स्पेन ना निकाल पाओ ध्यान रखना इफेक्टिव स्पेन ना निकाल पाओ तो आप सीधे वहाँ क्या यूज़ कर लेना क्लियर स्पेन का रेशियो यूज़ कर लेना क्योंकि आपके पास इफेक्टिव डेप्थ गिवन है तब तो आप कर ही सकते हैं नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे आपकी मजबूरी है आप यही करेंगे जो मैंने करके दिखाया ये क्वेश्चन हो गया सोचो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा यहाँ पूरा हो जाता है कई बार एक बार मैंने एक पीएसयू के पेपर में ये क्वेश्चन देखा था कि उन्होंने इस तरीके से डी बोल दिया था कि इफेक्टिव डेप्थ हम डेढ़ सौ दे रहे हैं और ये डब्ल्यू जो है टू हंड्रेड है बताओ कि इसका ये वन वे है या टू वे है तो वन वे टू वे के लिए आपको वो इफेक्टिव में कन्वर्ट करके फिर रेशियो लेना है एक क्वेश्चन ये हो गया अब ये मत बोलना कि सर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कराएंगे नहीं अब भाई इतना बड़ा अच्छे अच्छे से बता दिया पार्ट्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अब आप ठीक है सर अब आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाल दी तो ओवरऑल डेप्थ निकालना आसान है ओवरऑल डेप्थ निकालने के लिए इफेक्टिव डेप्थ में प्लस फाइव मेन बाई टू करूँगा प्लस क्लियर स्पेन करूंगा तो अभी तक मैंने अज्यूम नहीं किया है कि मेन रिनफोर्समेंट क्या होगी तो मेन रिनफोर्समेंट क्या होगी वो हम मान लेते हैं लेट अस यूज़ टेन एम एम फाइव बार्स इन स्लैब तो टेन बाई टू और क्लियर कवर देते हैं ट्वेंटी का ये तो हमने पढ़ा है माइल्ड स्टील एक्सपोजर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है टेबल में याद होगा आपको दिखा देता हूँ वो एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ तो यही वो टेबल है तो इसमें माइल्ड कंडीशन के लिए मिनिमम हमने ट्वेंटी एम रखी हुई थी तो यहीं से हम क्लियर कवर यूज़ कर रहे हैं ट्वेंटी एम एम हाँ उसी ट्वेंटी एम mm को यूज़ करके टेन एम mm को यूज़ करके हमने फाइनली ओवरऑल डेप्थ बनानी टू हंड्रेड एम अब बात करते मैंने आपसे कहा था कि हमें लोड निकालना है फॉर वन मीटर वर्थ यानी कि एक हज़ार एम एम के लिए हम डिज़ाइन करेंगे तो डेड लोड निकालना पड़ेगा साथ में लाइव लोड गिवन है फिनिश भी गिवन है फिनिश क्या होता है जो एक्स्ट्रा गिवन होगी तो वन मीटर विथ के लिए आप निकालो कैसे सर आप ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कॉन्क्रीट का यूनिट वेट लेंगे साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जीरो पॉइंट टू से क्योंकि हमारे पास ओवरऑल डेप्थ टू हंड्रेड एम एम है तो डेट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू और वन मीटर विर्थ के लिए कर रहा हूँ तो वन मीटर तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का हमको डेड लोड मिल गया है फिनिश जो है वन की गिवन थी तो वन मीटर के लिए कितनी हुई वन किलो न्यूटन पर मीटर हो गई और लाइव लोड उसी तरीके से फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो वन मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर किलो न्यूटन पर मीटर मिल गया तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा ऐड करके फैक्टर्ड करना पड़ेगा फैक्टर्ड हमको पता है कि वन से 1.5 टाइम के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है तो कर दिया वी गॉट फिफ्टीन किलोमीटर पर मीटर क्यूब इज माय फैक्टर यूडीएल लोड टोटल डेड लोड प्लस लाइव लोड ओके सर बहुत बढ़िया ये चीज़ मतलब अभी तक आसान है हम लोग जो करते आए हैं इन जनरल वही हम कर रहे हैं अब आगे आते हैं अब अल्टीमेट मोमेंट शेयर निकाल लेते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एल की जगह क्या आ जाएगा सर हमारा जो इफेक्टिव स्पेन है वो आ जाएगा 15 इन टू थ्री पॉइंट सिक्स सेवन फाइव और हमने क्या कहा था स्लैब के अंदर डिज़ाइन कौन सा है शॉर्टर स्पैन शॉर्टर का भी इफेक्टिव स्पैन तो इफेक्टिव स्पैन रख दिया आई वैल्यू डिज़ाइन शेयर फोर्स ये लो सर डब्ल्यू यू एल एक्स बाई टू दोनों चीज़ निकाल ली हमने बहुत बढ़िया अब चौथे स्टेप में आते हैं चौथे स्टेप में क्या था हमें एक ऐसी बीम डिज़ाइन करनी है जिसका जो न्यूट्रल एक्सेस है वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस पे है फर्स्ट पॉइंट और बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज़ क्यू बी डी स्क्वायर ये हम देख चुके हैं और हम एक्स यू लिमिटिंग के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज रख रहे हैं तो डी इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डिवाइडेड बाई वन जीरो पॉइंट वन थ्री एट एफ सी के एम ट्वेंटी है बी की वैल्यू थाउजेंड है डी जो है वो डी uh, निकालना है तो डी स्क्वायर को वहाँ पहुँचा देंगे इसको यहाँ पहुँचा देंगे अंडर दे रूट आ जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन टू सॉरी ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री टू इंटू टेन की पावर सिक्स सो वी गेट नाइन्टी फाइव डॉट सेवन एट नाइन्टी फाइव को नाइन्टी सिक्स मान लो तो हमने अज्यूम क्या की थी और क्या निकल के आई सर्विसबिलिटी के लिए हमने अज्यूम की थी वन सेवेंटी फाइव mm, एम एम यानी कि वहाँ से ट्वेंटी स्पेन बाय डेप्थ रेशियो से निकाल के लाया वन सेवेंटी फाइव एम एम और मेरे को इस थाउजेंड एम एम के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायर्ड आ रही है नियर अबाउट हंड्रेड एम एम बोल दूँ तो कोई वो नहीं है यार कोई प्रॉब्लम uh, नहीं है 96 सिक्स mm एम और 100 एम एम mm में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो अप्रोसीमेटली हंड्रेड एम तो इसका मतलब जो मैंने प्रोवाइड किया वो क्या है मोर देन सेफ है कोई दिक्कत नहीं है बट आप ये कह सकते हो सर कहाँ वन और कहाँ हंड्रेड ये तो बहुत अन है मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो यार अन है बट तुम्हें समझाने के लिए पहले ये करना पड़ा नहीं तो मैं वहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करके सीधे लिख के इसको डेढ़ सौ बना देता ना यहाँ पे और आप बोलते हैं कि मैं कहता नहीं लेट करो कि 1.3 ले लो 1.4 ले लो तो आप परेशान हो पहले आप सीख लो कैसे करना है उसके बाद ये सब काम बुक्स में दिए हुए हैं कर लेना बट मैं यहाँ कंसेप्ट बनाने के लिए जो बुक में भी ढंग से नहीं बताया गया वो यहाँ सीखने के लिए आप यहाँ हैं तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ मेन स्टील की एरिया ऑफ़ मेन स्टील का फार्मूला लगा दो ये फार्मूला याद करना है अच्छे से लगाना है लगा दिया सर वैल्यूज़ रख दी वॉट वी गॉट फोर हंड्रेड ये मेन स्टील का एरिया है हमारे पास आ गया है फॉर्मूले में रखने के बाद ठीक है हमने क्या बोला हुआ है हम 10 एम एम बार्ज यूज़ करेंगे सर कर दो स्पेसिंग निकालनी है इसकी निकालनी है ना तो थाउजेंड डिवाइडेड बाय एस और हर एक बार का क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ इंसाइल स्टील बिल्कुल सर स्पेसिंग निकाल देते हैं तो हमको मिल रहा है थाउजेंड बाई एस वी फाइव बाई फोर टेन एम यूज़ किया फोर ट्वेंटी वन डॉट सिक्स नाइन हमें आया स्पेसिंग वन एट्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव अब एक बात बताओ जो स्पेसिंग है उससे कम देना प्रेफर करोगे या ज़्यादा ऑब्वियसली यार कम ही दूंगा मैं तो मैं कहता हूँ ठीक है वन दे देते हैं तो हम कह रहे हैं प्रोवाइड मेन बार ऑफ टेन एम एम एट वन फिफ्टी सेफ़्टी देख के चल रहे हैं सिविल इंजीनियर हैं फैक्टर और सेफ्टी लगाते चलो प्रभु के गुण गाते चलो यही एक कहावत है इसको याद कर लो आप सिविल इंजीनियर बनना है तो अच्छा अब इसके अंदर जो गिवन जो हमारा स्पेसिंग है इसको चेक कर लेते हैं यार ये इससे कम है कि ज़्यादा है थ्री डी से कम और थ्री हंड्रेड एम एम जो भी इनमें से कम होगा थ्री इन टू डीज थ्री इं टू वन सेवेंटी फाइव इटलीट्स टू इन दोनों का मिनिमम जो थ्री हंड्रेड एम एम तो थ्री हंड्रेड एम एम से तो छोटी है वन फिफ्टी एम 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 आई ओके बिल्कुल तो कोडल प्रोविजन बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं अभी तक सब कुछ ठीक है एकदम चकाचक है बढ़िया चलते रहो अब क्योंकि तो मैंने अज्यूम कर लिया वन फिफ्टी एम एम स्पेसिंग तो मेरे एरिया ऑफ जो मेन स्टील है वो कितनी प्रोवाइड कर दिया है इस पर वन फिफ्टी वो चेक कर लेता हूँ तो थाउजेंड एम एम मेरी विड थी वन फिफ्टी एम एम स्पेसिंग कर दी फाइव बाई फोर इंटू टेन स्क्वायर देख रहे हो फाइव ट्वेंटी थ्री डॉट सिक्स ज़ीरो मतलब मैंने प्रोवाइड क्या कर दिया फ़ाइव ट्वेंटी थ्री डॉट सिक्स ज़ीरो और देनी कितनी चाहिए थी फोर ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स नाइन इतनी मेरे को रिक्वायर्ड थी बट यहाँ पे 150 फिफ्टी एम एम की स्पेसिंग देने की वजह से ये इतनी हो गई है ओके okay, सर सब ठीक है सब सही है अभी भी सब सही चल रहा है सेफ ही है हम चलो आगे चलते हैं अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्योंकि तो डिस्ट्रीब्यूशन बार एफ ई है तो हम ज़ीरो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो वो भी ले लिया सर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल गया कितना है टू फोर्टी एम स्क्वायर देना होगा ठीक है सर हम यूज़ कर लेते हैं एट एम एम फाइव बार्स इसकी स्पेसिंग निकालो इसकी स्पेसिंग कैसे निकालोगे वही वापस वन थाउजेंड एम एम के अंदर स्पेसिंग वही एस वी फाइव बाई फोर इंटू एट स्क्वायर रिक्वायड कित है टू फोर्टी mm एम एम स्क्वायर रख दिया स्पेसिंग आई टू हंड्रेड नाइन इससे तो कम दे दूँ तो टू हंड्रेड दे देता हूँ तो स्पेसिंग मैंने दे दी टू हंड्रेड एम एम सेंटर टू सेंटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बहुत बढ़िया सर मज़ा आ गया अब तक मतलब सब सब ठीक चल रहा है ईजी जो हमने बीम्स में पढ़ते आए हैं ना वही सारा लगा रहे हैं अब चेक फॉर शीयर लगाओ कई जगहों पे कई अच्छी बुक्स जो आप पढ़ेंगे उनके अंदर चेक फॉर शेयर से पहले ही आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी मैं भी वहाँ देना चाह रहा था बट उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर uh, की ज़रूरत है जो कि यहाँ से आएगा तो एक बार वो देख लेते हैं इसलिए चेक फॉर शेयर मैंने लिख उसके दिया उसके अंदर ही घुसा दिया उसके बाद चेक फॉर शेयर कर दूंगा तो आप देखो कैसे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लो व्यू बाई बी डी वी यू तो हमें पता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स इन टू टेन क्यूर थ्री थाउजेंड एम एम और ये जो डी माना ये 175 सेवनटी फाइव एम रखा है जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन न्यूटन पर एम एम ठीक है टेबल नंबर 19 पे पहुंच जाते हैं अब टेबल नंबर 19 पे पहुंचते हैं तो आपको याद होगा इधर ए एस टी बाई बी डी इन है और इधर आपका एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी ऐसे लिखा है फिर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सो तो पहले मेरे को एरिया ऑफ़ स्टील बाई बी डी तो चाहिए चाहिए तो एरिया ऑफ़ स्टील ये रहा डिवाइडेड बाई बी डी ये कर दिया तो जीरो पॉइंट टू नाइन नाइन मैंने इसको जीरो पॉइंट थ्री मान लिया तो जीरो पॉइंट थ्री के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट का जो शेयर स्ट्रेस कैपेबिलिटी है वो कितना हो गया सिंपल बोलो कि शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो गई कॉन्क्रीट की जीरो पॉइंट थ्री एट फोर तो जीरो पॉइंट थ्री एट फोर तो जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन से खूब बढ़िया है आगे है ज्यादा है आपोगे बिल्कुल झकाझक जक, मजा आ गया सर सब ओके चल रहा है अब आ जाओ यहाँ पर जो चीज़ मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको हमारे इस मॉडिफिकेशन फैक्टर की जो फिगर है फोर इसको कैसे यूज करना है इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा था एफ एस इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव एट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड अब आपको रिक्वायर्ड थी फोर ट्वेंटी वन प्रोवाइड कर दी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री तो इसके अकॉर्डिंग एफ एस की वैल्यू क्या हो गई 193.58 मैं इसको 194 गिन रहा हूँ क्योंकि यहाँ बड़ा ही अप्रॉक्सीमेशन चलने वाला है तो वन नाइन्टी फ़ोर पर आ जाओ अब आप बोलेंगे ठीक है सर कहाँ हैं अब इसको पढ़ने का तरीका देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर तो ये रहा और यहाँ कर्व दिए हुए हैं ये वन नाइन्टी का है और फिर डायरेक्ट कर टू फोर्टी का है तो वन नाइन्टी फोर का कर्व इसके ही आस पास कहीं ना कहीं होगा इनफैक्ट मैं कहूँ वन नाइन्टी वाला जो कर्व है ना इसी के पास चले जाते हैं अपन और एरिया ऑफ टेंशन स्टील कितनी प्रोवाइड की हुई है हमने पॉइंट थ्री परसेंट अभी निकाली है ऊपर ये निकाली ए एस टी बाई बी डी आ गई बात समझ में इसलिए मॉडिफिकेशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो ज़ीरो पॉइंट थ्री यहाँ से ये यह आ गया और वन नाइन्टी फोर वन नाइन्टी फोर ए एस टी थ्री यहाँ कहीं जाके मिल रहे हैं तो मैं बहुत कहूँ बहुत पास में है इसको ये वन पॉइंट सिक्स एट टू है तो ये वन पॉइंट एट होगा तो मैं कह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली रीड करूँ तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हो जाएगा सर वन पॉइंट एट और ये मॉडिफिकेशन फैक्टर कौन से क्लॉज का था जो पर ने पढ़ा था स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो उसमें ए वैल्यू के साथ इस मॉडिफ़िकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है तो अपन को 1.8 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा ब्रो 20 से डिफेक्टिव डेप्थ क्या होगा डी थ्री सिक्स सेवन फाइव डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट इंटू ट्वेंटी तो इससे भी कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वन जीरो टू वन ज़ीरो टू थोड़ी ना दोगे एक सौ पाँच दोगे एक सौ दस दोगे या सौ दोगे ऐसे ही देते हो ना तो एक सौ पाँच एम एम की स्लैब दे सकते हैं इवन आफ्टर मॉडिफिकेशन फैक्टर तो अब आप, आप कह सकते हो एज अ डिज़ाइनर ठीक है सर 175 सेवनटी mm जो है वो थोड़ा अनइकोनॉमिक हो जाएगा इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए मैं डी को आ, मान लेता हूँ 140 हंड्रेड mm या 150 हंड्रेड mm और फिर इसको सॉल्व करूंगा तो फिर से सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको रीडू करने पड़ेंगे स्टेप्स वन टू सेवन ये जो है वन आप बिल्कुल इकोनॉमिक बनाना चाहते हो ना क्योंकि मोमेंट से हमने डी निकाला वो आया अबाउट हंड्रेड है ठीक है सर और इससे जो डी निकला है वो आया एक सौ फाइव हंड्रेड है तो बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही ऐसा हो कि मेरे को सारे ही पैसे बचाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए तो तो एक सौ पाँच ले लो बस थोड़ा अपने आपको सेफ वेफ रखना है कोई गड़बड़ ना हो कोई दिक्कत ना हो तो क्या कर लो एक सौ बीस रख लो एक सौ तीस रख लो वन फिफ्टी रख लो बहुत स्टैंडर्ड आपको बुक्स में वन फिफ्टी के आसपास ही मिलेगा वन फिफ्टी है मैम हर बार तो वो लोग क्या करते हैं अब मतलब लॉजिकल बता रहा हूँ वो लोग क्या करते हैं वो लोग बोलते हैं जब आप स्टार्ट करते हो ना तभी एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो वो लोग जनरली ये बोलते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एरिया ऑफ टेंशन स्टील से यहाँ पे लिख देंगे तुम्हारे लिए कि बुक्स में आपको क्या मिलेगा अज्यूमिंग एरिया ऑफ टेंशन स्टील भी अबाउट मतलब है ज़ीरो पॉइंट थ्री परसेंट सो जीरो पॉइंट थ्री परसेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर आ गया ये तो इन जनरल अब आप जब बहुत बार डिज़ाइन कर लोगे ना एज अ डिज़ाइनर बन जाओगे तब तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि एरिया ऑफ परसेंटेज जो ये टेंशन स्टील है मेन की वो 0.3 से 0.4 के बीच में ही रहती है चाहे कैसी बीम हो और सॉरी कैसी भी स्लैब हो स्लैब के लिए तो वो लोग ऑलरेडी 0.3 के अकॉर्डिंग एक मॉडिफिकेशन फैक्टर लगा देते हैं उससे पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोलते हैं इकनॉमिक है और लास्ट में उसको कई बार तो जो मैं जैसे मैंने प्रॉपर आपको समझाने के लिए इतना ताम झाम बैठाया है इतनी बार ये कर्व्स डाले हैं यानी कि ये वाला चेक ये वाला चेक भी नहीं लगाते और आगे बढ़ते चले जाते तो ऐसा आप ना करें वो इलॉजिकल वे है क्योंकि तो आपने अज्यूम किया है मैं दे रहा हूँ पॉइंट थ्री परसेंट सपोज करो आपका निकल के है जीरो पॉइंट टू फाइव तो आपको वो जीरो पॉइंट थ्री परसेंट ही बनाना पड़ेगा आपने ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री ले लिया या कितना भी परसेंटेज ले लो तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ेगा उसको दिखाना पड़ेगा लोग जनरली ज़ीरो पॉइंट फोर लेते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कम पड़ेगा इसमें ज़ीरो पॉइंट फोर में देखो वन नाइनटी के लिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ ऐसा आ जाएगा उसको 1.6 ले लेंगे 1.5 ले लेंगे डेप्थ तो कम हो गई बट आपको जो आपने अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग भी तो सेट करना पड़ेगा ना फिर आपको तो वो लोग अपनी स्लैब को हिसाब से सेट करते हैं बट यहाँ पर हम कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए भी हैं तो कंसेप्ट आई होप अब आपका डेवलप हो गया होगा बट फॉर नाउ जस्ट टू टीच यू कि क्या कर रहे हैं मैं जो स्टेप वन से सेवन है उनको वापस नहीं करने वाला वो आप अपने हिसाब से कर लो आप अज्यूम कर लेना आप डी की वैल्यू कुछ भी वन ट्वेंटी टू वन थर्टी है जो आपको सही लगे और फिर से वन टू सेवन करो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ मैं डी को लेकर चल रहा हूँ वन सेवनटी फ़ाइव एम क्योंकि मैं अभी भी यही प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक अन इकनॉमिक की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको इकोनॉमिक बनाना है तो एक सौ बीस से एक सौ तीस लो और इसको चेक कर लो चलो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो वन सेवेंटी फाइव एम एम हमारा डी है उसके लिए बॉन्ड चेक हो रहा है तो वी यू इतना आ गया ये थाउजेंड एम mm की हमारी विड्थ है बीम की और वन फिफ्टी एम हमने मेन री इन्फोर्समेंट दी है स्पेसिंग में इंटू पाई इंटू टेन साथ में जे रख दिया वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हमारी वैल्यू सॉल्व करके आई जीरो पॉइंट नाइन थ्री नाइन और जो टेबल है हमारे को कोड में गिवन है उसके अकॉर्डिंग एफ के अकॉर्डिंग सिक्सटी बढ़ाना होता है बढ़ा दिया सर 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया इट इज़ 1.92 तो 1.92 टू से तो बहुत कम है एकदम परफेक्टली सेफ है अब बात करते हैं सर डेवलपमेंट लेंथ की डेवलपमेंट लेंथ की बात कर लेते हैं तो 0.87 पॉइंट एट सेवन एफ बाई फाइव फोर टाओ बी डी टाओ फिजिबल परमिसिबल सॉरी फिजिबल कह रहा हूँ वो तो डेवलप्ड हो गया परमिसिबल तो परमिसिबल वाली वैल्यूज रख दी चेक कर लिया हमें डेवलपमेंट लेंथ कितनी देनी है मिनिमम फोर सेवेंटी एम ठीक है सर अब इसको वो वाला चेक जो हमने पढ़ा है वो वाला लगाना पड़ेगा एम वन बाय वी प्लस एल नॉट वो लगा देते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आके हम्म एम वन हमारे कोड ने क्या बोला था कि ये जो एम वन बाई वी यू प्लस एल है इसको एल डी से बड़ा होना है यानी कि डेवलपमेंट लेंथ इस पूरे सम से छोटी होनी चाहिए याद रखना डेवलपमेंट लेंथ इस पूरी चीज़ से छोटी होनी ही चाहिए ठीक है सर एम वन निकालो एम वन क्या था मूवमेंट एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन जीरो पॉइंट एट सेवन ए एस टी जे डी कर देते हैं ए एस टी फाइव ट्वेंटी थ्री प्रोवाइडेड है अब तो और जे into d डी वन सेवेंटी फाइव के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो मूवमेंट आया इतना ओके okay, व्यू हमें पता है ट्वेंटी सेवन है और ये कैसे आया सर एल नॉट एल नॉट के लिए देखो ये रहा एल नॉट के लिए हमारे कोड ने बोला जो एल ऑफ सपोर्ट है ना उसका आधा ले लो यानी कि डब्ल्यू बाई टू यानी कि टू फिफ्टी एम एम बाई टू माइनस क्लियर कवर क्लियर कवर है ट्वेंटी एम एम तो ये कितना आ गया एक सौ पाँच एम एम इस तरीके से निकालना है एल नॉट हो गया टू फिफ्टी बाई टू माइनस ट्वेंटी इसको सॉल्व करेंगे नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आ गया ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया है वन जीरो सिक्स फाइव एम एम अब फोर सेवेंटी एम एम तो वन जीरो सिक्स फाइव एम एम से क्या होना है कम होना ही है सर तो हमारा डिज़ाइन क्या हो गया ओवरऑल सेफ हो गया अब हमारे कोड ने कुछ चीज़ें बताई थी जब मैंने आपको डेवलपमेंट लेंथ के एक बढ़िया सा पढ़ाया अच्छा खासा तब मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है क्या बार दिखा देता हूँ ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिंपली सपोर्टेड के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ है अपने को कितनी देनी पड़ेगी एल डी बाई थ्री देनी पड़ेगी तो यही बात मैंने यहाँ पे अब फिर से लिखी है देखो दिख रहा है ना एटलीस्ट एल डी बाई थ्री टू बी एक्सटेंडेड इनटू सपोर्ट एंड एटलीस्ट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज ऑफ मेन री टेंशन री एन्फोर्समेंट बी इम्बैडेड इन सपोर्ट ये वाली चीज़ हमने बिल्कुल पढ़ी है और हम इसको फॉलो करेंगे एल डी बाई थ्री मतलब ये रहा वन फिफ्टी सेवन एम एम मैंने कहा नहीं वन सिक्सटी एम एम अप्रॉक्सीमेटली हो गया ठीक है सर सेफ है इसको हम एम्बैड कर देंगे तो फाइनली हम क्या डिज़ाइन में दिखाएंगे आप लोग हमेशा जब भी एंड स्लैब को डिज़ाइन करने के बाद लिखो ना तो इसी तरीके से अच्छे से लिख दिया करो कैसे डिज़ाइन बना के ये तो हो गया टॉप व्यू टॉप व्यू में दिख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक मेन री बार बनाई है ये ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की जो बनाई है वो डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन uh, बार है सॉरी डेवलपमेंट कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार है ग्रीन कलर में तो जो मेन ब्लू बार है वो कितनी है टेन एम बार्स हैं एट वन फिफ्टी एम स्पेसिंग ओके ठीक है सर और जो ग्रीन्स हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं वो एट एम एम बार्ज हैं टू हंड्रेड एम एम सेंटर टू सेंटर ओके सर अभी क्या करते हैं ये जो बार्स होती हैं ना इनको जब सपोर्ट के पास लाते हैं ना तो इसको बैंड कर देते हैं ये सपोर्ट के पास है ना देखो डॉट 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 जो जा रहा है ये सपोर्ट है इसके पास से हम बैंड करते, करते हैं तो ये जो बैंड करते हैं ना ऑल्टरनेट बार में करते हैं यानी कि इस बार को तो यहाँ सीधा आने दिया और इस बार को जब यहाँ दे रहे थे तो यहाँ बैंड कर दिया यानी कि अगली मैं जब नेक्स्ट बार बनाऊंगा वो यहाँ से यूँ जाएगी और वो यूँ बैंड हो जाएगी यानी कि ऑल्टरनेट बार्स यहाँ पे बैंड होती रहेंगी मेन बार्स ओके सर अब इसको टू डी में देखते हैं मतलब इसका हमने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन बनाना है बहुत बढ़िया सर वो भी बना के देख लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स दिखोगे तो ये ब्लू बार है यानी कि मेन बार्स है ऑल्टरनेट बार्स को यहाँ पे बैंड कर दिया है ये रहा और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है अब लॉजिक से समझना ये तो मेन बार जो है टेन एम mm है वन फिफ्टी एम एम अब हमने यहाँ ऑल्टरनेट को बैंड किया है तो एक यहाँ पे और जब ये यह ऑल्टरनेट यहाँ बैंड होगी तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया वन फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी यानी कि थ्री हंड्रेड एम स्पेसिंग हो गई होगी तो यहाँ क्या लिख रखा है टेन एम एम बार जैड थ्री हंड्रेड एम सेंटर टू सेंटर आई बात समझ में और यहाँ फेस जो है इससे थोड़ी सी दूर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दी हुई है यहाँ पर अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो फेस से दी है दिस इज अबाउट पिच बाय टू पिच क्या है पिच है सर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ये इनकी स्पेसिंग है टू हंड्रेड एम तो यहाँ पे इस फेस से कितनी दूर जाएगी हंड्रेड एम यानी यानि कि यहाँ पे ये जो फेस ऑफ सपोर्ट है इससे कितनी दूरी पर स्टार्ट करना है हमको हंड्रेड एम एम स्टार्ट करना है साथ साथ में अब एक क्वेश्चन आप ये पूछोगे सर आपने सपोर्ट के पास बैंड करने को बोला तो मैं इस किस डिस्टेंस पे इसको बैंड करूंगा फेस ऑफ सपोर्ट से इसको किस डिस्टेंस पे बैंड करेंगे तो उसको भी कोड ने बताया दैट हैज टू बी बैंड एट अ सपोर्ट ऑफ जीरो पॉइंट वन एलेक्स एलेक्स क्या है आपका इफेक्टिव स्पेन है एलेक्स ठीक है जीरो पॉइंट वन एलेक्स इज थ्री सेवेंटी फाइव एम एम यानी कि सपोर्ट से थ्री सेवेंटी फाइव एम एम पर आप क्रैंक बैंड करोगे फिफ्टी परसेंट ऑफ बार विल बी बैंड इन दिस फॉर्म ये बात यहाँ पे अच्छे से आपको समझनी है अभी एक्सेक्स हो गया अब आप बोलोगे सर मेरे को इधर से भी देखना है मतलब एक्सेक्स सेक्शन तो ये रहा अब मैं इस वाई वाई सेक्शन को काट के देखना चाहता हूँ जो ये मैंने बनाया ना वाई वाई हल्का हल्का इसलिए हल्का बनाएगा मेन फोकस से ना हटे अब वाई वाई, वाई देखो सेक्शन वाई वाई को देखूंगा तो मेन री इन्फोर्समेंट कैसे दिखेंगी नीचे दिखेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो ग्रीन में थी वो क्या ऊपर दिखेगी तो इस तरीके से आपको बनाना है फाइनली तभी आपके एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने डिज़ाइन कर दी है तो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्पैन और साथ में इफेक्टिव uh, डेप्थ और uh, ये स्मॉल डेप्थ इसके बारे में जरूर मेंशन करना कि आपने ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे 200 हंड्रेड mm एम रखी है और इफ़ेक्टिव uh, डेप्थ 175 सेवेंटी फाइव एम तो ये पोर्शन हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए ख़त्म होता है मैं आपको जैसे बोला था कि यार ये बहुत ही एक मैराथन है स्लैब में जो जो आज तक पढ़ा है बस उसको लेके भागते रहो भागते रहो भागते रहो तब जाके स्लैब डिजाइन होती है तो यू कैन सी इट इन यर ऑल्सो तो अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर अब कंटिन्यूस वन वे स्लैब का डिज़ाइन देखेंगे और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे फिर हम टू वे स्लैब में मूव करेंगे और इस तरीके से स्लैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और यार अच्छे अच्छा कुछ भी क्वेरी हो अच्छे से मेरे को बताओ मैं ज़रूर जब भी टाइम होगा कुछ भी होगा मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और यार सब्सक्राइब भी कर रहे हो पर इसको शेयर भी करो मेन पर्पज़ स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स तक पहुँचे सब कुछ ये बहुत ज़रूरी है सो टिल देन कीप रिवाइजिंग टेक केयर बाय बाय